नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं विवेक औदिच्य, आप सभी बहनों का, आप सभी भाइयों का हार्दिक स्वागत, वंदन, चंदन और दोस्तों अभिनंदन करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म अनअकैडमी झारखंड पर। आप सभी बहनों, आप सभी भाइयों का हार्दिक स्वागत, वंदन, चंदन और अभिनंदन है। कुछ पंक्तियां आप सभी लोगों के लिए कि युद्ध नहीं जिनके जीवन में वह भी बड़े अभागे हैं, कि युद्ध नहीं जिनके जीवन में वह भी बड़े अभागे हैं, या तो प्रण को छोड़ा होगा या रण से ही भागे होंगे। आइए आज की श्रृंखला स्टार्ट करते हैं। एक बार सभी लोग बता देंगे, विजिबिलिटी क्लियर है, आइडियो वीडियो क्लियर है, सब कुछ क्लियर है, तो आइए आज की श्रृंखला स्टार्ट कर दें। प्रदीप कुमार, विश्वजीत, राहुल पासवान, विवेक अग्रवाल, सभी लोगों का, सभी बहनों का, सभी भाइयों का हार्दिक स्वागत, वंदन, चंदन और अभिनंदन है। सभी को जय हिंद है। चलिए आज की श्रृंखला स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, श्रृंखला स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, आज आप सभी लोगों की फर्स्ट क्लास हुई थी, आज आप सभी लोगों की पेड बैच की फर्स्ट क्लास हुई थी। तो दोस्तों, पेड बैच की जो फर्स्ट क्लास हुई थी, जिंदाबाद हुई थी कि नहीं हुई थी, एक बार जितने लोग देख रहे हैं सभी लोग बताएं। हाँ सर, जिंदाबाद हुई थी। हुई थी ना कल की क्लास पेड बैच की जिंदाबाद। देखिए दोस्तों, ये अनअकैडमी झारखंड प्लेटफॉर्म है, इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए मेरी लाइव क्लास चल रही है। इस लाइव क्लास पे आप जैसे ही जाएंगे, जैसे ही आप लाइव क्लास पे जाएंगे, आज मैं गोदान आपको पढ़ाने जा रहा हूं। मुंशी प्रेमचंद्र जी का उपन्यास है गोदान, गबन, सेवा, सदन, ये सब किसके हैं? मुंशी प्रेमचंद्र जी के उपन्यास हैं। देखिए, झारखंड का जो बैच है वो 1399 का है, सीजीएल पेपर थर्ड को लेकर के। और वहीं अगर मैं बात करूं आप सभी लोगों से हिंदी को लेकर के, तो हिंदी को लेकर के भी लिंक आ रहा होगा, मैं बता दूंगा कितने का है कितने का नहीं है। ठीक है, चलिए आज की श्रृंखला स्टार्ट करूं। बोले हाँ सर, स्टार्ट करिए आज की श्रृंखला। दोस्तों, अगर मैं बात करूं आप सभी लोगों से, आज मैं आप सभी लोगों को, सर मेरा छूट गया था बीएड में, बाद में देखा। अच्छा, कोई बात नहीं। विश्वजीत, कैसी लगी क्लास पहले तो ये बताओ। विश्वजीत, प्रदीप, ट्विंकल, ज्योति मेहता, जो भी पेड बैच में था, आज की क्लास जिंदाबाद लगी कि नहीं लगी, धुआंधार लगी कि नहीं लगी, बताना एक बार। चलिए देखिए दोस्तों, आज मैं आपको गोदान पढ़ाने जा रहा हूं। क्या? आज मैं आपको गोदान उपन्यास पढ़ाने जा रहा हूं। ये गोदान उपन्यास है किसका? गोदान जो उपन्यास है ये आपका मुंशी प्रेमचंद्र जी का है। किसका है? मुंशी प्रेमचंद्र जी का है। किसका है लाडलो? मुंशी प्रेमचंद्र जी का है गोदान उपन्यास, मुंशी प्रेमचंद्र जी का है। और मुंशी प्रेमचंद्र जी ने सन 1936 में इसको लिखा। मुंशी प्रेमचंद्र जी को कलम का मजदूर बोला जाता था, कलम का मजदूर, कलम का मजदूर। इनका वास्तविक नाम धनपत राय है, इनका वास्तविक नाम धनपत राय है। इनको नवाब राय के नाम से भी जाना जाता है, नवाब राय के नाम से भी जाना जाता है। मुंशी प्रेमचंद्र जी को कथा सम्राट की उपाधि, कथा सम्राट की उपाधि, मुंशी प्रेमचंद्र जी को कथा सम्राट की उपाधि बंगाली कवि शरदचंद चट्टोपाध्याय जी ने दी। किसने दी? बंगाली कवि शरदचंद चट्टोपाध्याय जी ने दी। मुंशी प्रेमचंद्र जी को कथा सम्राट की उपाधि किसने दी? बंगाली कवि शरदचंद चट्टोपाध्याय जी ने दी। आइए बात करते हैं। देखिए दोस्तों, मुंशी प्रेमचंद्र की जो रचना है, मुंशी प्रेमचंद्र जी की जो जीवनी है, अजय कुमार, रिंकी, दिनेश, ट्विंकल, नूतन सिन्हा, कैसी क्लास लग रही पहले तो ये बताओ। दोस्तों, अगर मैं बात करूं मुंशी प्रेमचंद्र जी को, तो मुंशी प्रेमचंद्र जी ने लगभग 300 से अधिक रचनाएं की लिखी। कितनी रचनाएं लिखी इन्होंने? इन्होंने लगभग 300 से अधिक रचनाएं लिखी, 300 प्लस रचनाएं लिखी। इनकी जीवनी जो है, मुंशी प्रेमचंद्र जी की जीवनी, इनकी जीवनी इनके पुत्र अमृत राय जी ने लिखी, अमृत राय जी ने लिखी, अमृत राय
जी ने लिखी जिसका नाम क्या है, प्रेमचंद्र कलम का सिपाही, जिसका नाम है प्रेमचंद्र कलम का सिपाही, जिसका नाम है प्रेमचंद्र कलम का सिपाही, प्रेमचंद्र कलम का सिपाही, जिसका नाम है प्रेमचंद्र कलम का सिपाही। इतनी बात सभी को क्लियर हो गई? एक बार सभी लोग धुआंधार तरीके से बताएंगे, हां सर इतनी बात क्लियर हो गई सभी लोग, हां सर सभी लोग इतनी बात क्लियर हो गई। एक बार जितने लोग देख रहे हैं सभी लोग लाइक वाला बटन प्रेस करें, जितने लोग भी देख रहे हैं सभी लोग लाइक वाला बटन प्रेस करें। आइए, जो मैं आप सभी लोगों को आज पढ़ाने जा रहा हूं, इस उपन्यास के पात्र कौन कौन है, इस उपन्यास के पात्र होरी जो है वो नायक है, एक्टर है, धनिया नायिका है, गोबर होरी का पुत्र है, ये सब स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। सर ऐप पर बहुत बफर किया सर आज का क्लास, हाँ बच्चा बफर नहीं किया, वॉइस का इशू था, वो टेक्निकल टीम से मैंने सपोर्ट मांगी थी, उन्होंने एयरडब्स को उस पर सपोर्ट कर दिया था, और नॉर्मल लैपटॉप की वॉइस आती तो अच्छी आती। चलिए कोई बात नहीं, आज मैं बात कर लूंगा। आपके जो टीम मेंबर हैं, जो आपको लीड करते हैं, जो हेड हैं, वो बहुत डेडिकेटेड पर्सन है, उनको अगर कोई बात बताई जाए तो वो फर्स्ट प्रायोरिटी से काम करते हैं, वो आपका सही कर देंगे, ठीक है। मैं आज उनसे बात कर लूंगा। होरी नायक है, धनिया नायिका है, गोबर होरी का पुत्र है, झुनिया गोबर की पत्नी है, राय साहब जमींदार हैं, मेहता दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर हैं, मालती आधुनिक नारी व डॉक्टर हैं, भोला झुनिया के पिता हैं, सोना और रूपा होरी के पुत्री, देखो दोस्तों पूरा रीजनिंग का बनी जा रही है, सोना और रूपा होरी की पुत्री, होरी का पुत्र गोबर, तो सोना रूपा कौन हुई, होरी की वो किसकी, गोबर की बहन। सर कोर्स फुल कोर्स कैसे ले, झारखंड जीके में बच्चा फोर्थ फुल कोर्स आप ऐसे ले सकते हो। देखिए मैं आपको बताता हूँ फुल कोर्स आप कैसे लेंगे, देखिए कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ मैसेज है, क्या हो गया भाई, कमेंट बॉक्स में जो पिन किया हुआ मैसेज है वहां पर आप क्लिक करेंगे तो आपके लिए फुल कोर्स आ जाएगा। देखिए यहाँ पे ये आ गया, जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आप ज्वाइन हो जाएंगे फुल कोर्स पर। देखिए 1399 में आपका है झारखंड सीजीएल पेपर थर्ड को लेकर के, और पेपर फर्स्ट को लेकर हिंदी को लेकर के आपका है ₹750, ठीक है। चलिए भाई, अगर मैं बात करूं आप सभी लोगों से आगे, तो रूपा होरी के पुत्री हैं, खन्ना मिल मालिक है, गोविंदी खन्ना की पत्नी है, हीरा होरी के भाई हैं, सिलिया दलित स्त्री हैं, माता दीन और दाता दीन ब्राह्मण हैं, ओंकारनाथ संपादक हैं, इसके पात्र दुलारी सहआइन है, दुकान की मालकिन है, शोभा होरी के भाई हैं। देखो बच्चा बड़ा कंफ्यूजन हो गया होगा आप सभी लोगों को, स्क्रीनशॉट लेना, इसका स्क्रीनशॉट होना चाहिए, बहुत पात्र पूछ लेगा फिर कंफ्यूज हो जाओगे, अगर आपसे पात्र पूछ लिए तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे। शोभा कौन है, पूछा जाए शोभा कौन है तो कह देना शोभा जो है वो गोबर की क्या है, गोबर की बुआ है, क्योंकि होरी की बहन है, हीरा गोबर का क्या है, या चाचा है या ताऊ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अन्य पात्र झिंगुरी सिंह, पटेश्वरी लाल, नोहरी, पुनिया, मिर्जा और खुशेद। एक बार मैं पुनः रिपीट कर दे रहा हूं, आप सभी लोग लाइक वाला बटन प्रेस करें धुआंधार तरीके से कि आप ये जान लें कि कौन क्या क्या है, अगर ये पता चल गया तो तुम्हारी कहानी बन गई और नहीं तो कहानी अधूरी रह जाएगी, है ना बच्चा, बिल्कुल सर सही कह रहे हैं, कहानी अधूरी रह जाएगी, क्या
कि होरी नायक हैं, धनिया नायिका हैं, गोबर होरी का पुत्र है, झुनिया गोबर की पत्नी है, राय साहब जमींदार हैं, मेहता दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर हैं, मालती आधुनिक नारी व डॉक्टर हैं, भोला झुनिया के पिता हैं, सोना और रूपा होरी के पुत्री हैं, खन्ना मिल मालिक है, गोविंदी और खन्ना की पत्नी है, हीरा होरी के भाई हैं, सिलिया दलित है, दलित स्त्री है, माता दिन और दाता दिन ब्राह्मण है, ओंकारनाथ संपादक है, दुलारी सहुआइन है, दुकान की मालकिन है, शोभा होरी के भाई हैं, अन्य पात्र झिंगुरी सिंह पटेश्वरी लाल नोहरी पुनिया मिर्जा, ये सब लोग हैं। अब आगे बढ़ते हैं, पात्र पता चल गए। चलिए, गोदान प्रेमचंद्र का अंतिम उपन्यास है। प्रेमचंद्र के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है बताओ, सभी लोग कमेंट बॉक्स में छापो। आपके सामने लिखा है गोदान प्रेमचंद्र का अंतिम उपन्यास है, तो पूछा जाए प्रेमचंद्र के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है, देखते हैं कौन कौन कमेंट बॉक्स में गलत बताता है। जल्दी से बताओ सभी लोग, प्रेमचंद्र के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है, जल्दी जल्दी सभी लोग बताएं, देखते हैं कौन कौन इस प्रश्न का आंसर गलत करता है, कौन कौन इस प्रश्न का राइट आंसर। गोदान, एक आया रिंकी का आंसर, और बताओ, और बताओ तुम सभी लोग फिलहाल अभी तो गोदान गोदान गोदान, अच्छा गोदान गोदान अंतिम और सबसे अधूरे उपन्यास का नाम पूछा है, अंतिम नहीं अधूरे, अधूरे। सुहाना दुबे जिंदाबाद, ये है बहन, बहुत बढ़िया, शानदार जानदार जबरदस्त जवरिया जिंदाबाद, बहुत बढ़िया सुहाना, बस मुझे पता है कि सुहाना का जवाब जिंदाबाद आएगा, जिंदाबाद बहन। सुहाना मंगल जो गोदान जो है वो अंतिम उपन्यास है कंप्लीट, लेकिन अधूरे उपन्यास का नाम है मंगल सूत्र। अधूरे उपन्यास का नाम क्या है, मंगल सूत्र। जाओ सुहाना, लिख दिया तुम्हारा सिलेक्शन पक्का। सुहाना बिटिया, तुम्हारा सिलेक्शन पक्का, तुम्हारी नॉलेज अच्छी है, तुम्हारा सिलेक्शन पक्का, क्योंकि मैं बहुत बार चेक कर चुका हूं, सिलेक्शन पक्का। चलो अगर मैं बात करूं आप सभी लोगों से, इसका आपका ये आ गया ना, ये क्या मंगल सूत्र का नाम, तो तुमसे पूछा जाए जो मंगल सूत्र है ये अधूरे उपन्यास का नाम है तो पूरा किसने किया, अधूरे उपन्यास का नाम है तो इसको पूरा किसने किया। अगर तुमसे ये पूछ लिया जाए अधूरे उपन्यास मंगल सूत्र है तो इसको पूरा किसने किया, तो आप कह देना अमृत राय जी ने किया। अमृत राय कौन है, मुंशी पिताजी की, पिताजी के अधूरे कामों को पूरा करने का जिम्मेदारी किसके पास होती है, एक बार सभी लोग बताएंगे कि पिताजी के अगर अधूरे काम हो तो उसको पूरा करने की जिम्मेदारी पुत्र के पास है, और अगर पुत्र तो पुत्र कौन है, अमृत राय। तो अधूरे उपन्यास को लिखने वाले हैं तो अधूरे उपन्यास का नाम है मंगल, मंगल सूत्र लिखा अमृत राय जी ने। गोदान प्रेमचंद्र का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण उपन्यास माना जाता है, कुछ लोग इसे उनकी सर्वोत्तम कृति मानते हैं। विद्वानों का ऐसा मानना है कि इन्होंने 300 से अधिक रचनाएं लिखी, लेकिन सबसे उत्तम यही लिखी। जाते जाते कहते ना, देखो बच्चा ऐसे, आज मैं ड्रिल मशीन कर रहा था, ड्रिल कर रहा था, तो एक दीवार पे किया तो बेकार हो गया, दोबारा किया बेकार हो गया, छोटे भाई जब रूम में कर रहा था, जब अपने रूम में कर रहा था तो परफेक्ट हो चुका था तब तक। यानी कि कहने का तात्पर्य क्या है कि जब उसके रूम में अभ्यास हो गया, अपना रूम सही हो गया। यही मुंशी प्रेमचंद्र जी के साथ, मुंशी प्रेमचंद्र जी ने 300 रचनाएं लिखी। अब जो कोई 300 रचनाएं लिखेगा तो धीरे 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 परफेक्शन आता जाएगा, अंत में इनके अंतिम समय में परफेक्शन इतना जिंदाबाद हो गया तो इन्हें युग कवि बोला गया, इन्हें कहा गया कि इनके इस उपन्यास की तुलना महाकाव्य से कर दी गई। सोचो, इनके इस उपन्यास की तुलना महाकाव्य से कर दी गई। समझ में आई बात, गोदान उपन्यास की जो चर्चा किससे कर दी गई, महाकाव्य से कर दी गई। कुछ लोग इनकी सर्वोत्तम कृति मानते हैं। इसका प्रकाशन 1936 में किया गया, ईस्वी में किया गया। हिंदी ग्रंथ रचनाकार कहां से हुआ यह भी पूछा जा सकता है। इसका प्रकाशन कहां से हुआ, हिंदी ग्रंथ रचना रत्नाकर कार्यालय से, बंबई से हुआ। कब हुआ, 1936 में हुआ।
इसमें भारती इसमें किसके बारे में वर्णन है, इसमें भारतीय ग्राम समाज एवं परिवेश का सजीव चित्रण है। इसमें किसका वर्णन किया गया है, भारतीय ग्राम समाज और परिवेश का सचित्र वर्णन किया गया है। और इसमें किसका वर्णन किया गया है, गोदान ग्राम्य जीवन और कृषि संस्कृति का महाकाव्य माना जाता है। ग्राम्य जीवन का, यानी कि अगर तुमसे अगर कोई कहे लाडलो ध्यान से सुनना कि बहनों ध्यान से सुनना कि तुमसे अगर कोई तुमसे पूछे कि जो आपका गोदान है ये किसकी कृति है और कौन सी कृति है, इस कृति में क्या बताया गया, आप कह देना गांव के बारे में बताया गया, किस गांव में होती क्या, मुख्यतः गांव में होता है खेती, तो खेती के बारे में और उसकी संस्कृति के बारे में बताया गया। इज इट क्लियर और नॉट क्लियर माई डियर फ्रेंड एंड माई डियर सिस्टर? बोले हां सर क्लियर। प्रगतिवादी, प्रगतिवादी गांधीवाद और मार्क्सवाद साम्यवाद, प्रगतिवाद गांधीवाद मार्क्सवाद का पूर्ण परिपेक्ष चित्रण हुआ है। इसमें गांधीवाद के बारे में बताया गया है, इसमें प्रगतिवाद के बारे में और मार्क्सवाद यानी कि साम्यवाद के बारे में बताया गया है। साम्यवाद के बारे में, प्रगति और गांधीवाद के बारे में सचित्र चित्रण किया गया है। इतनी बात क्लियर हो गई? हाँ सर क्लियर हो गई। आगे बढ़ा जाए? हाँ बढ़ा जाए। गोदान जो है वो हिंदी में लिखा गया उपन्यास है। इसकी लैंग्वेज कौन सी है? सर बैच का प्राइस स्टार्टिंग वाला हो सकता है क्या 549 रुपए? बच्चा मैं बात करके देखूंगा, वैसे तो अब इस प्रेजेंट टाइम में तो 750 चल रहा है। गोदान प्रेमचंद्र का हिंदी उपन्यास है जिसमें उनकी कला अपने चरम उत्कर्ष पर है, मतलब कि उन्होंने लेखनी की जो उनकी पास कला है सर, दूरदर्शन पे इसको देखा था। अच्छा बिटिया, दूरदर्शन पे आपने इसको देखा था, बहुत बढ़िया। तो गोदान हिंदी उपन्यास है जिसमें उनकी कला अपने चरम उत्कर्ष पर पहुंची है। गोदान में भारतीय किसान का संपूर्ण जीवन, उसकी आकांक्षा, क्या देखो क्या क्या बताया गया है, भारतीय किसान का संपूर्ण जीवन, उसकी आकांक्षाएं, भाई कि गेहूं बोएंगे, गेहूं उगेंगे, कटेंगे, कटेंगे, अपने बच्चों के लिए कपड़े लाएंगे और वाइफ के लिए साड़ी लाएंगे, एक घर दरवाजे पर ट्रैक्टर लाएंगे, बच्चे को खिलौने लाएंगे, ये सब किसान पूरे साल कहते ना। एक लोग पूछ रहे थे कि आप बिजनेसमैन किसको मानते हैं, मेरा उत्तर था कि सबसे बड़ा बिजनेसमैन किसान है, सबसे बड़ा बिजनेसमैन किसान है। रिस्क कितना ले रहा है सोचिए आप, कि अगर किसान की बात मैं कर दूं तो सबसे बड़ा बिजनेसमैन किसान है, किसान कैसे सबसे बड़ा बिजनेसमैन है। आप सोचिए कि आपको अगर 3 महीने किसी भी बिजनेस आप करते हो और आपको 1 महीने प्रॉफिट नहीं होता, आप देखते हो 2 महीने प्रॉफिट नहीं होता, देखते हो 3 महीने का एग्रीमेंट किया जाता है और आपको बायकॉट कर दिया जाता है, किया जाता है ना ऑर्गेनाइजेशन में, यही होता है ना कि प्रॉफिट के बिना धंधा नहीं, बिजनेस नहीं। लेकिन किसान की तरह देखो आप, 6 महीने साल भर फसल का इंतजार करता है और सपोज दैट जिस दिन फसल कटनी हो उस दिन वर्षा हो जाए, आग लग जाए, तूफान आ जाए, आंधी आ जाए, बाढ़ आ जाए, तो सारी फसल पूरे साल की मेहनत पानी में मिल जाती है, ठीक है। आनंद शुक्ला बच्चा आप इतना रिपीट मत करो, आनंद शुक्ला, आनंद शुक्ला, आनंद शुक्ला, बहुत बढ़िया, जिंदाबाद आनंद। प्रेमचंद, गोदान प्रेमचंद का हिंदी उपन्यास है जिसमें उनकी कला अपने चरम उत्कर्ष पर पहुंची है। गोदान में भारतीय किसान का संपूर्ण जीवन, उसकी आकांक्षा, निराशा, उसकी धर्मभीरुता, भारत परायणता के साथ स्वार्थपरता और बैठकबाजी, उसकी बेबसी, निर्हीता का जीता जाता चित्र उपस्थित किया जाता है।
ओके देखो दोस्तों, अगर आप पेड बैच सर लिंक पेस्ट कर दीजिए एक बार लिंक पेस्ट कर, जो भी टेक्निकल टीम देख रही हो एक बार लिंक को पेस्ट कर दीजिए। तो आनंद शुक्ला बच्चा देखिए, आप धीरे धीरे इसलिए पढ़ा रहा हूं, ऐसा नहीं कि स्टोरी मुझे सुनानी नहीं है, मुझे कोई कहानी तो सुनानी नहीं है, मुझे कोई कहानी तो आपको ऐसा तो है नहीं कि उपन्यास सुना दिया आपका काम हो गया, मुझे आपके क्वेश्चन फंसाने हैं पेपर में। तो बच्चा मुझे धीरे चलना होगा, आनंद थोड़ा धैर्य रखो, मैं पता है हाँ एक घंटे में आपका डाउट, ऐसा कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा जो आपके पेपर में आए और आप करके ना आओ, ठीक है? ठीक है। तो दोस्तों कोई बात नहीं, मैंने सर देख लिया है मैसेज। सर देखिए, आपके साथ टेक्निकल टीम में कितने डेडिकेटेड लोग जुड़े हुए हैं, आप इसको देख सकते हैं, जो व्यक्ति बिजी है होते हुए भी आपके साथ लगा हुआ है। देखिए कमेंट में देखिए लिंक आ चुका है, हिंदी का लिंक आ चुका है, आप पेड बैच कैसे ज्वाइन करें आइए मैं बता दूं आप सभी लोगों को। देखिए आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे, जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे देखिए ये आपके सामने लिंक रहा, और आप इस लिंक पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे बैच का प्राइस 999 हो गया है, 750 दिखा रहा है अभी बैच का प्राइस। देखिए यहां पर क्लिक करके आप बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, बैच का प्राइस। सर कोर्स में क्या क्या रहेगा हिंदी पेपर 2 में? अच्छा मैं बता रहा हूं आपको, अगर मैं बात करूं आप सभी लोगों से कोर्स में क्या कुछ रहेगा, तो कोर्स में आपका पेपर फर्स्ट की अगर मैं बात करूं, आपकी ग्रामर और लिटरेचर पूरा रहेगा। अरे ये सिलेबस देख लो आप, ये रहा, ये आपके सामने लेक्चर रहे, सारे के सारे लेक्चर डेट बाय डेट, सारे के सारे लेक्चर डेट बाय डेट, ये सारे लेक्चर आपके सामने रहे, आप लेक्चर देख सकते हो सारे, ठीक है? चलिए अगर मैं बात करूं आप सभी लोगों से बैच का क्या क्या प्राइस है बैच का, तो आप देख सकते हैं बैच का प्राइस क्या है, जल्दी से आप सभी लोग बैच को ज्वाइन करें, बैच का प्राइस 999 रुपए होने वाला है। बैच का जो प्राइस है वो कितना होने वाला है, 999 रुपए होने वाला है बैच का प्राइस, जल्दी से बैच को ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है? ठीक है। चलिए अभी 750 है, आप इस लिंक पर क्लिक करके बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर बात करूं आप सभी लोगों से कि उसकी गर्दन किसकी गर्दन, किसान की गर्दन, कौन किसान है, होरी। देखो दोस्तों कोरिलेट करिए, होरी किसान है, किस नायक कौन है, होरी, नायिका कौन है, अभी आपको बताया था, गोबर कौन है, झुनिया कौन है, राय साहब कौन है, ये सब पूछा जा सकता है। गर्दन जिस पैर के नीचे दबी है उसे सहलाता, कलेश और वेदना को झुठलाता, मरजात की झूठी भावना पर गर्व करता, ऋणग्रस्तता के अभिशाप में पिसता, तिल तिल सलों के भरे पथ पर आगे बढ़ता, कौन है? इतनी सारी परेशानियां कौन झेल रहा है? सर पेड बैच में भी आप ही पढ़ाएंगे ना सर? हाँ इंडियन बाइकर हम ही पढ़ाएंगे, लक्ष्मी या जो भी बच्चा आज पेड बैच में था बता दो पेड पेट में कितनी जिंदाबाद क्लास हुई है, एक बार बता दो पेड बैच में कितनी जिंदाबाद धुआंधार क्लास हुई है। भारतीय समाज का मेरुदंड, हमारे भारत के समाज का रीढ़ की हड्डी, बैकबोन कौन है बताओ, हमारे समाज की रीढ़ की हड्डी कौन है, पूछा जा सकता है क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हमारे समाज की रीढ़ की हड्डी कौन है, तो आप कह देना हमारे समाज की रीढ़ की हड्डी भारतीय किसान है। और वो क्या कर रहा है, वो घुट रहा है, तिल तिल घुट रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है, ऋण से पूछा जाएगा तुमसे क्वेश्चन बच्चा, इसलिए आज मैं क्वेश्चन ये सब लेकर के आया हूं, झुटलाता से पिसता, तिल तिल पिसता जा रहा है, ऋणग्रस्तता से, ऋण से, लोन से पिसता जा रहा है। YouTube से सर पूरा नहीं हो पाएगा बच्चा, बहुत जल्दी मेरी YouTube पे क्लासेस बंद हो जाएंगी, तो आप सभी लोग जल्दी जल्दी पेड बैच ज्वाइन कर लीजिए, और बहुत जल्दी इस पेड बैच का प्राइस 999 रुपए होने वाला है, बहुत जल्दी पेड बैच का प्राइस जो है वो 999 रुपए होने वाला है, ठीक है? हाँ ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, किसान कितना शिथिल और जर्जर हो चुका है, हमारे देश का किसान जिसे कहा जाता था सोने की चिड़िया, भारत को क्या कहा जाता सोने की चिड़िया,
कोई सोने थोड़ी ना थी। भारतीय भारत कृषि प्रधान देश है, तो इसमें जो किसानी होती थी, जो कृषि होती थी, इस वजह से इसको सोने की चिड़िया बोला जाता था। कितना शिथिल और जर्जर हो चुका है ये गोदान में प्रत्यक्ष देखने को मिलता है, डायरेक्ट देखने को मिलता है गोदान उपन्यास में। जमींदार, मिल मालिक, पत्र संपादक, अध्यापक, पेशेवर वकील और डॉक्टर, राजनीतिक नेता, राज कर्मचारी जोक बनके कैसे गांव के निरीह किसान का शोषण कर रहे हैं। समझो बात को कि जो जान जो डॉक्टर हैं, वकील हैं, राज्य कर्मचारी हैं, मतलब जितने लोग हैं, एक ही व्यक्ति, क्या एक ही व्यक्ति होटल में जाओगे, होटल में जाओ वेटर को टिप दे दोगे 500 रुपया, लेकिन अगर टमाटर का रेट बढ़ गया तो तुम्हें दिक्कत, क्योंकि वो किसान से संबंधित है। वेटर को टिप 500 रुपया और टमाटर का रेट बढ़ गया तो तुम्हें दिक्कत, क्या किसको दिक्कत हो रही है? राजनेता को, राज्य कर्मचारी को, अध्यापक को, पेशेवर वकील को, पत्र संपादक को, मिल मालिक को, जमादार को, सबको दिक्कत, जमींदार को, सबको दिक्कत। स्टाइलो विपिन, बच्चा देखो, बच्चा अभी प्राइस ही कितना, अभी तो 750 रुपए, आप ऐसे समझो बच्चा, ना तो मैं आपको बुक, आपकी बात को मैं दिल पे टच कर गई, आपकी प्रशांत झा और स्टाइलो विपिन आपकी बात दिल पे टच कर गई। जरा बच्चा एक बात को समझो और फिर मुझे उत्तर देना। आप अगर ग्रामर पढ़ोगे तो आपको पृथ्वीराज पांडे या हरदेव बाहरी की बुक लेनी होगी। आप अगर हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ोगे तो पंडित रामचंद्र शुक्ल की बुक लेनी होगी। आप शब्दकोश पढ़ोगे तो अलग से आपको किसी पब्लिकेशन की बुक लेनी होगी। तो अगर 4 पब्लिकेशन की बुक लोगे और आपकी कीमत अगर मैं 200 भी रख दूं तो आपकी कीमत 1000+ चली गई, और ये बैच आपको मात्र 750 में मिल रहा है। हम आपकी गारंटी ले रहे हैं, ना आपको कोई बुक लेनी है, ना आपको नोट्स कहीं से बनाने हैं, जितना मैं पढ़ा दूंगा उससे पेपर बाहर नहीं आएगा, गारंटी है इस बात की। तो बताओ, आपको सिर्फ एक रफ कॉपी लेनी होगी जो 30-40-50 रुपए मिल जाएगी, उससे आपका पूरा हिंदी निकल जाए। और आपको आज तो बच्चों ने कॉल भी की थी, लाइव में कॉल आती है, एक बच्चे ने पूछ लिया था सर लिपि क्या होती, ऐसे तुम्हारे कोई डाउट हो हम डाउट भी क्लियर कर देंगे। इतना सब कुछ मात्र 750 रुपए में, तो देर किस बात की। आइए जुड़िए साथ में, आइए जुड़िए साथ में, और कैसे गांव के ही महाजन और पुरोहित उनकी सहायता कर रहे हैं। गोदान में ये सभी तत्व नख दर्पण के समान प्रत्यक्ष हो गए हैं। गोदान वास्तव में 20वीं शताब्दी की 3री और 4थी दशाब्दी के भारत का ऐसा सजीव चित्र है जैसा हम अन्यत्र मिलता है, मतलब कि गोदान सजीव चित्रण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गोदान में बहुत सी बातें कही गई हैं, गोदान में बहुत सी बातें कही गई हैं। ऐसा माना जाता है कि प्रेमचंद्र ने अपने संपूर्ण जीवन, पूरे के पूरे जीवन को क्या कर दिया है, संपूर्ण जीवन के व्यंग और विनोद, कसक, वेदना, विद्रोह, वैराग्य, अनुभव, आदर्श सभी को उपन्यास में भर देना चाहा है। मतलब कि मुंशी प्रेमचंद्र का जीवन, 300+ रचनाएं लिखने वाला एक व्यक्ति, वो अपने सारे व्यंग, सारे विनोद, सारी कसक, सारी पीड़ा, सारी वेदना, सारे विद्रोह, सारा वैराग्य और आदर्श सभी को इसमें एक उपन्यास में भर देना चाहता है। कुछ आलोचकों को इसी कारण उसमें अस्त व्यस्तता मिलती है। उसका कथानक शिथिल, अनियंत्रित और स्थान स्थान पर अति नाटकीय जान पड़ता है। ऊपर से देखने पर भी ऐसा ही है, परंतु सूक्ष्म रूप से देखने पर गोदान में लेखक का
अद्भुत उपन्यास कौशल देखना दिखाई पड़ेगा। कहते ना कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। यानी कि इतना बढ़िया जिंदाबाद उपन्यास किसी ने लिख दिया हो और उस उपन्यास की लोग ऊपर ऊपर पढ़ के तुलना कर देते हैं, लेकिन जब उसमें घुस के पढ़ते हैं तो लगता है एक युग कवि ने उपन्यास लिखा हो, क्योंकि उन्होंने जितनी बातें कही हैं वे सभी समुचित उत्थान में कही हैं। प्रेमचंद्र ने एक स्थान पर लिखा है, प्रेमचंद्र ने उपन्यास में एक स्थान पर क्या लिखा है, कलम में जितनी शक्ति हो अपना जोर दिखा दीजिए। राजनेताओं के लिए, वकीलों के लिए, संपादकों के लिए क्या लिखा है कि आपकी कलम में जितनी ताकत हो पूरा जोर दिखा दीजिए, राजनीतिक पर तर्क कीजिए, किसी महफिल के वर्णन में 10-20 प्रश्न लिख डालिए। ये किसने कहा? प्रेमचंद्र ने कहा। प्रेमचंद्र ने कहा जहां तुम्हें मौका मिले किसानों के बारे में बोलो, गरीबी के बारे में बोलो, भुखमरी के बारे में बोलो। सर स्टाइलो बिपिन, बच्चा देखिए हमारी टेक्निकल टीम ने आपका आपको रिप्लाई दिया है और ये बिल्कुल सही है कि एक बार अगर आपकी लाइफ में नौकरी आ गई फिर क्या होगा कि तुम्हें सब बॉस कहेंगे, करेंगे तुम्हारी गुलामी। चलिए भाई ये यहां पर क्लिक करिए और आज रात 12 बजे के बाद, 11:59 के बाद, आज रात 11:59 के बाद आपका प्राइस कितना हो जाएगा? प्राइस हो जाएगा 750 प्लस। कितना हो जाएगा? 750 प्लस, मतलब कि 999 रुपए हो जाएगा। तो जल्दी करिए, कहीं ना फिर देर हो जाए। एक बार सभी लोग धुआंधार तरीके से जल्दी लिंक पर क्लिक करके बैच को ज्वाइन कर लें। और जिन बच्चों ने आज क्लास देखी होगी उनको पता चल चुका होगा कि क्वालिटी से समझौता विवेक भाई ने कभी किया ही नहीं, कि जब आया क्वालिटी के साथ आया, नहीं तो क्लास को ही रोक दूंगा, लेकिन क्वालिटी से समझौता किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं। चलिए भाषा सरस होनी चाहिए, कोई दूषण नहीं। प्रेमचंद्र ने गोदाम में अपनी कलम का पूरा जोर दिखाया, सभी बातें कहने के लिए उपयुक्त प्रसंग कल्पना, समुचित तर्क जाल और सही मनोवैज्ञानिक विश्लेषण, प्रभावशाली चुस्त दुरुस्त भाषा और वर्णन शैली में उपस्थित कर देना प्रेमचंद्र का अपना विशेष कौशल रहा है। इस दृष्टि से तुलना में शायद ही उपन्यास को लेखक रखा जा सकता हो, मतलब इसकी तुलना में शायद ही कोई उपन्यास रखा जाता हो। अब क्वेश्चन यहां से स्टार्ट होते हैं, गोदान क्या है? गोदान क्या है कमेंट बॉक्स में छापिए, गोदान क्या है। मैंने आपको बताया कि गोदान क्या है, मुंशी प्रेमचंद्र ने कैसे लिखा गोदान, गोदान में पात्र कौन कौन से हैं। सर हिंदी में किस सेक्शन से ज्यादा क्वेश्चन आएंगे? आपका लिटरेचर पूरा पढ़ के जाना पड़ेगा बच्चा, कहीं से भी देखिए नौकरी में ये आपको ध्यान ही नहीं रखना रियल ऑफ लाइफ। बच्चा मैं आपका नाम नहीं पढ़ पा रहा हूं, लेकिन मैं आपको इतना बता दे रहा हूं कि इतना आप मान के चलो कि देखिए इसका प्रीतम ने भी बढ़िया जवाब दिया। चलिए रियलिटी ऑफ लाइफ की अगर मैं बात करूं, इस बच्चे का क्वेश्चन है सर हिंदी में किस सेक्शन से कितना आएगा, तो बच्चा आपको 100 क्वेश्चन करने हैं, इतना मान के चलो 100 में 100 करने हैं। अगर आपने सेक्शन बाय सेक्शन देख लिया तो 100 of the 100 नहीं कर पाओगे, है ना। आपको अटेम्प्ट इतना करना है, आजकल तो कट ऑफ इतनी जा रही है कि 100 में 93, 94, 95 तक कट ऑफ पहुंच जा रही है ना। तो आपको कट ऑफ के नजदीक नहीं सोच के पढ़ना है, आपको इतना पढ़ना है कि जिंदाबाद पढ़ना है, ऐसे समझ लो। चलो गोदान जो है
वो औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत किसान का महाजनी व्यवस्था में चलने वाला निरंतर शोषण तथा उसमें उत्पन्न संतरास की कथा है। मैंने कहा गोदान क्या है, तो गोदान औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत किसान का महाजनी व्यवस्था में चलना, यानी कि ऋण के ऋण से ग्रसित चलने वाले निरंतर शोषण तथा उससे उत्पन्न संतरास की कथा है। गोदान का नायक होरी एक किसान है जो किसान वर्ग के प्रतिनिधि के तौर पर मौजूद है। आजीवन दुर्धर्ष संघर्ष के बावजूद उसकी एक गाय खरीदने की आकांक्षा पूर्ण नहीं हो पाती है, उसकी वेदना बताता है गोदान नाटक। उसकी वेदना बताता है गोदान नाटक। आगे बात करें, हाँ सर आगे बात करिए। देखिए दोस्तों, बैच संबंधित कोई भी दिक्कत हो आप इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा। बैच संबंधित कोई भी दिक्कत हो आप इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा। एक सेकेंड हमको समय दीजिए। इस नंबर पर 8787898 8987898 8585197 इस नंबर पे आप कॉल कर लीजिएगा। 8789851 इस नंबर पे आप कॉल कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए भाई 8789885197 इस नंबर पर बैच संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए तो ले लीजिएगा। चलिए मैं आप सभी लोग बताता हूं, आप सभी लोग जब भी बैच ज्वाइन करें तो बैच कैसे ज्वाइन करें, तो ये देखिए हमारी टेक्निकल टीम की तरफ से प्रीतम बच्चा आपके लिए बहुत ही बढ़िया संदेश आया है, आप देखिए इसको। अगर मैं बात करूं आप सभी लोगों से, कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ मैसेज आ रहा होगा, एक सेकेंड हमको देखिए आ रहा होगा। चलिए गाय कौन देता है जल्दी से बताओ, गाय कौन देता है? गाय देता है भोला, एक गाय देता है किसको? होरी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रेमचंद के उपन्यास गोदान से हमें क्या शिक्षा मिलती है बताओ, क्वेश्चन नंबर दो। क्वेश्चन नंबर दो, प्रेमचंद के उपन्यास गोदान से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस उपन्यास से हमें सीख मिलती है कि अत्याचार और शोषण काली शक्तियों के विरुद्ध संघर्ष करने से ही न्याय मिलता है। देखिए भाई, अगर आप शोषण को और ज्यादा आप शोषण को आप बियर कर लेंगे, आपका शोषण हो रहा है किसी संस्था में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में या कहीं पर भी, अगर आप उसको अपने ऊपर हावी कर देंगे तो आप और शोषित होंगे, या किसी समाज में आपका शोषण हो रहा है और आप कह रहे हैं चलिए कोई बात नहीं, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, तो आप शोषित होते रहेंगे। ये दुनिया है साहब, यहाँ हर दूसरा व्यक्ति दूसरे का शोषण करने के लिए बैठा है ना, तो शोषण से बचना है तो आपको क्या इस उपन्यास से सीख मिलती है कि शोषण से अगर तुम्हें लड़ना है, तुम्हें बचना है तो तुम्हें न्याय, हाँ एक चीज ध्यान रखना, अगर तुम सत्य हो, अगर तुम सच हो तो सच को आंच नहीं कहा जाता, सत्य को आंच नहीं, अगर तुम्हारे बात में सत्य है तो फिर तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, फिर तुम्हें न्याय की जरूरत है, तुम्हें संघर्ष की जरूरत है। सफल पेन गिर गया बच्चा। चलिए अगर मैं बात करूं आप सभी लोगों से, काली शक्तियों के विरुद्ध संघर्ष करने से ही न्याय मिलता है। दोस्तों किसी भी तरह के संघर्ष को सहना कमजोरी की निशानी है, कि जब तक हम शोषण के विरुद्ध आवाज नहीं उठाएंगे तब तक हमारा भला नहीं हो सकता, खुद ही खुद की बेहतरी के लिए खुद को ही प्रयास करने होंगे। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही बात है संगीता। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड, गोदान की केंद्रीय कथा कहां की है? गोदान
कि केंद्रीय कथा कहाँ की है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत बार पूछा गया है। सेशन को लाइक और शेयर सभी लोग कर दीजिएगा बच्चा, कम से कम 50 प्लस तो लाइक पहुंचाइए। गोदान की केंद्रीय कथा कहाँ की है, गोदान उपन्यास में बेलारी गांव के किसान, किसके गोदान उपन्यास में बेलारी गांव के किसान होरी के जीवन संघर्ष का चित्रण भारतीय किसान के संघर्ष को उजागर करता है। होरी की समस्याएं प्रत्येक भारतीयों की समस्याएं हैं। होरी कहां के रहने वाले थे, बेलारी गांव के। सर एमसीक्यू भी होता है क्लास के बाद, देखो बच्चा हो तो रहा है, क्वेश्चंस करा तो रहे ना। बेलारी गांव यूपी में है ना, हाँ बच्चा यूपी में। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, गोदान की स्त्री पात्र कौन है, स्त्री पात्र कौन कौन है यह भी पूछा जा सकता है। गोदान में स्त्री पात्र कौन कौन है, स्त्री पात्र कौन कौन है बताओ। आज की क्लास में मैंने पूरा कवर कराया, फिर मत कहना भैया ने पढ़ाया नहीं और तुमने पढ़ा नहीं, ये सब क्वेश्चन आए हुए। गोदान की स्त्री पात्र कौन है, धनिया, झुनिया, पुनिया, रूपा, सिलिया, सहुआइन, सोना, मालती, गोविंदी। कौन कौन है, धनिया, झुनिया, पुनिया, रूपा, सिलिया, सहुआइन, सोना, मालती और गोविंदी। ये कौन है, ये आपकी गोदान की स्त्री पात्र हैं। इतनी बात क्लियर सभी लोगों को, एक बार सभी लोग बताएंगे। बच्चा आज रात 12 बजे के बाद प्राइस बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा, 999 रुपए प्राइस हो जाएगा। अभी प्राइस कितना है, 750 रुपए। जल्दी से बैच ज्वाइन करिए, बैच ज्वाइन करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। जैसे ही आप मेरी वीडियो चल रही है, देखिए कितना सुंदर आपको पढ़ा रहे हैं, ये मेरी वीडियो चल रही है और यहाँ पे लिंक है, लिंक पे जैसे ही क्लिक करेंगे तुरंत आप बैच में ज्वाइन हो जाएंगे। क्या तुरंत आप बैच के लिए ज्वाइन हो जाएंगे, क्या यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर आएगा, आप मोबाइल नंबर डाल देना, लॉग इन कर देना। जैसे ही आप लॉग इन करेंगे इस तरीके से पेज हो जाएगा, आप UPI से कोई भी, फोन पे, गूगल पे, अमेजन पे, पेटीएम से किसी से भी फोन पे कर दीजिएगा, साथ ही साथ डेबिट, चलो एक सेकेंड, साथ ही साथ डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से भी कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं, वॉलेट से भी कर सकते हैं। नीचे आप कोई भी वॉलेट चुन लीजिए और पे कर दीजिए, ठीक। चलिए भाई आगे बात करें आप सभी लोगों से, तो दोस्तों आज रात 12 बजे तक के लिए ऑफर है, अब से मात्र 1 घंटा 10 मिनट शेष, अब से मात्र 1 घंटा 10 मिनट शेष, अब से मात्र 10 मिनट, 1 घंटा 10 मिनट से। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पे रहा, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 4-5। गोदान में गोबर कौन है, बताओ भाई गोबर कौन है, गोदान में गोबर कौन है, सभी लोग बताओ गोदान में गोबर पात्र कौन है। गोबर अपने पिता होरी, होरी कौन है, किसान। गोदान अपने पिता माता पिता का एकमात्र पुत्र है, ये तो पूरा रीजनिंग का क्वेश्चन बना दी, पूरी रीजनिंग सॉल्व करा दी। गोबर अपने माता पिता का एकमात्र पुत्र है, गोबर की बहन कौन है, आओ तुम्हें बताएं गोबर की बहन कौन है, गोबर की जो बहन है वो कौन है। होरी नायक नायिका धनिया गोबर, गोबर का पुत्र है, जुनिया गोबर की पत्नी है, राय साहब जमींदार हैं, शोभा होरी के भाई हैं, और होरा हीरा होरी के भाई हैं, सिलिया, झिंगुरी, मालकिन, सोना और रूपा। सोना और रूपा होरी की पुत्री हैं, तो गोबर की बहन कौन है, सोना और रूपा। गोबर की बहन कौन है, सोना और रूपा। परंतु उसका स्वभाव, परंतु उसका स्वभाव अपने पिता होरी से सर्वदा भिन्न है, वह अपने पिता के भाग्यवाद तथा कर्मवाद में विश्वास नहीं करता है। उसके पिता बड़ा संघर्षशील थे, उसके पिता कौन थे, बड़ा ही संघर्षशील थे, भाग्यवाद और कर्मवाद को मानने वाले थे, लेकिन जो गोबर था वो नहीं मानता था। गोबर कहता था कि बिना भाग्य के, बिना कर्म के भी काम हो सकता है।
अपने शैशव काल से बचपन से ही उसने क्या बड़ी सारी परेशानियां झेली, गरीबी देखी, भुखमरी देखी, पिता को पसीना बहाते देखा, फिर भी जमींदार के यहाँ अपनी जमीनें गिरवी रखे देखा, जमींदार को कर देते देखा, इससे पीड़ित होकर के, इससे परेशान होकर के क्या, परंतु फिर भी वह अभावग्रस्त स्थिति उसके मन को कचोटती रही। ठीक, आगे बढ़ते हैं। गोदान को महाकाव्य क्यों कहा जाता है बताओ भाई? गोदान उपन्यास है, इसको महाकाव्य क्यों कहा जाता है? ये तो उपन्यास है, इसको महाकाव्य क्यों कहा जाता है? गोदान को गोदान का महाकाव्य क्यों कहा जाता है? गोदान उपन्यास होकर भी उनसे बड़ा महाकाव्य है, क्योंकि उसकी जड़ें हिंदुस्तानी समाज, हमारा भारतीय कृषि प्रधान देश है, कहीं गहरे जाते हैं, वह हमारे रोजमर्रा के संघर्षों और यथार्थ के इतना करीब है। यों गोदान एक अनूठे बल्कि चमत्कारी ढंग से हिंदुस्तानी समाज के सच्चे और प्रतिनिधि महाकाव्य में खुद ब खुद बदलता गया। ठीक है, यानी कि क्या, गोदान को महाकाव्य क्यों बोला गया? क्योंकि इसमें भारतीय किसान के बारे में, भारतीय समाज के बारे में, भारतीय संस्कृति के बारे में, पिता पुत्र के स्नेह के बारे में और पिता के कर्मवाद के बारे में, भाग्यवाद के बारे में, एक पिता जो कि परिवार का मुखिया होता है और जो कि किसान होता है, उसकी जिम्मेदारियां उसका पुत्र पुत्री देखता है, उस गांव की पूरी व्यवस्था, एक गांव की पूरी व्यवस्था, चूंकि वह गांव बेलारी गांव जो कि आइडियल की तरह होता है, जो कि हमारे अन्य भारतीय गांवों को भी प्रदर्शित करता है, दर्शित करता है, चित्रित करता है, यह सब कुछ दिखाया गया है। तो कैसी लगी आज की श्रृंखला बताओ? आज गोदान कैसा लगा आपको? गोदान कैसा लगा? तो आप सभी लोग गोदान